सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तेजस और आप देख रहे हैं टेक वेब सेंटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे चीप ईयरफोन के बारे में। गाइस, मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरे को आपको बताने का था कि चीप से चीप ईयरफोन कैसे रहते हैं, कैसा रहता है उसका परफॉर्मेंस। मैं आज आपको उसकी अनबॉक्स करके बताऊंगा। गाइस, मैंने उस ईयरफोन को परचेस किया है 169 रुपीज़ में। सो गाइस, मेरी इस वीडियो में बने रहिए। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसी के साथ एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और गाइस, मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। तो यस गाइस, गाइस ये हमारा प्रोडक्ट आपके सामने। गाइस, प्रोडक्ट कहाँ पे है? और ये प्रोडक्ट हमारे सामने है गाइस। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ये प्रोडक्ट मैंने 169 रुपीज़ में परचेस किया है। और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, 169 में सैमसंग कब से अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट देने लग गया है गाइस। लेट इट बी, अभी मैं आपको उसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगा। गाइस, ये मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ 169 रुपीज़ में ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने प्रोडक्ट जो परचेस किया है वो ना मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है ना मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। मैंने एकदम छोटी सी साइट थी, मतलब जो अभी नई नई लॉन्च हो रही थी और उसका नाम है गाइस थंडर डील। मैंने वहाँ से उसको परचेस किया था गाइस। और मैंने उसको परचेस करके एक महीना हो गया था पर फिर भी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया था। तभी मैंने उनको मेल किया कि मैंने अपना प्रोडक्ट मंगाया और मेरे पास अभी तक आया नहीं है, और मैंने प्रोडक्ट कुछ और मंगाया था और मेरे पास आया कुछ और है। लेट इट बी, अभी जो कुछ भी आया है चीप से चीप ही है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसी के साथ अभी देखते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर पूरे बॉक्स के ऊपर जो वेरिएंट है वो देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पे लिखा है सैमसंग, यहाँ पे लिखा है AKG, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता है। और यहाँ पे भी सैमसंग लिखा है। और अभी बैक साइड में देखते हैं, सैमसंग इन ईयर हेडफोन्स, इसका प्राइस रेंज भी लिखा है गाइस। यहाँ पे लिखा है 449। गाइस, इतना ज़्यादा प्राइस लिखा है उसके ऊपर। उसी के साथ यहाँ पे इन ईयर ईयरफोन IG955 यहाँ पे लिखा है। उसी के साथ मैं भी आपको इसको पूरा अनबॉक्स करके देखता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो गाइस आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। अभी मैं आपको इसको पूरा ओपन करके बताता हूँ गाइस। यहाँ पे एक टेप है और यहाँ पे भी एक टेप है। मैं ये टेप को ओपन करता हूँ और इस प्रोडक्ट को निकालता हूँ। और ये हमारा प्रोडक्ट है और इसके साथ कुछ मैनुअल रहेगा। मैनुअल भी कुछ नहीं है गाइस, 169 में वो लोग ने मैनुअल भी कुछ नहीं दिया है। मैं भी आपको बताता हूँ कि ये ईयरफोन कैसा है, क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए, कैसे है, इसके सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसके ईयरबड की कि कैसा है ये ईयरबड। ईयरबड बहुत स्ट्रांग है गाइस, निकल नहीं रहा था और बहुत, अभी मैं भी इसको प्रेस कर रहा हूँ पर ये बहुत स्ट्रांग है। यू कैन सी बहुत स्ट्रांग है, मुझे प्रेस करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे उसका जो स्पीकर ग्रिल है, यू कैन सी द स्पीकर ग्रिल। और यहाँ पे उसकी ब्रांडिंग की है AKG करके, यू कैन सी द AKG उसकी ब्रांडिंग की है। अभी मैं ये ईयरबड जो मैं निकाला था उसको मैं फिर से लगा देता हूँ। और उसी के साथ ये दूसरा ईयरबड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी बहुत स्ट्रांग है, ये निकलता नहीं है गाइस जल्दी। और इसके बारे में एक मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जब आपके कान में जाएगा तो जब ये आपके कान में जाता है तो कान बहुत दुखने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत छोटा है। यू कैन सी यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है और ये जो है ना वो बहुत छोटा है। सो यस गाइस, मैंने जैसे कि कहा कि ये जो बहुत छोटा है ना तो इससे आपको कान आपका पूरा पेन करने लगता है क्योंकि ये पूरा अंदर जाता है। और जब भी आप उसको लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज़ करोगे तो आपका कान बहुत पेन करेगा। उसी के साथ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे यू कैन सी एक प्लस है और माइनस है। प्लस माइनस का बटन है गाइस, आवाज़ बढ़ाने के लिए और आवाज़ कम करने के लिए। ऐसे सिर्फ दो ही बटन है गाइस और एक मिडिल में बटन है, यू कैन सी यह। यहाँ पे ये गाना स्टॉप करने के लिए है गाइस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस करने के लिए है।
और उसी के साथ मैं अभी आपको उसका पूरा वायर बता देता हूँ कि इसका वायर है कैसा। यू कैन सी द वायर, ये मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि इसका वायर कैसा है। गाइस जब भी आप स्टेशन पे रेलवे पे आप देखोगे कि 50-50 रुपए में जो कोई एयरफोन बेचता है, सेम परफेक्ट वैसा उसका वायर है, यू कैन सी। तो इससे अच्छा आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो ट्रेन में आते 50 रुपये में, देख करके, चेक करके, सुन करके ले लीजिए उस ईयरफोन को, जैसे वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे जो वायर है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो 169 इसका प्राइस रेंज है, उसमें जो ये वायर है गाइस, ये बहुत अच्छी लगी। ये देखो, यू कैन सी द वायर। और इसका गाइस, ये जो इसका जो बेनिफिट क्या रहता है कि वायर आपका ब्रेक नहीं होगा। जब ये ऐसा रहता है ना, आप जब भी यूज़ करते हो तो वायर ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया है कि वायर जल्दी ब्रेक नहीं होगा। यू कैन सी, मैं इसको पूरा मोड़ रहा हूँ पर वो फिर से परफेक्ट हो जा रहा है। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे उसको कैसे पहनना है। यहाँ पे रहेगा आर, मतलब ये राइट में जाएगा, यहाँ पे रहेगा एल, मतलब ये लेफ्ट में जाएगा। यू कैन सी गाइस, उसी के साथ अगर आपको इसको परचेस करना है गाइस, तो अगर मेरे को लिंक मिली तो गाइस मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी गाइस। और उसी के साथ गाइस, अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा नहीं है तो आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ नहीं तो यहाँ पे, यहाँ नहीं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यू कैन सी दैट वीडियो। वीडियो बहुत ही अच्छी थी गाइस, और मैंने इसी के साथ बहुत सारे अनबॉक्सिंग किए, आप वो भी देख सकते हो गाइस। थैंक यू गाइस मेरी ये वीडियो देखने के लिए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, उन्हें भी बता दीजिए कि आपको ये ईयरफोन परचेस करने की ज़रूरत है या नहीं। सो गाइस, अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और उसी के साथ एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और उसी के साथ थैंक यू गाइस, मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है, मुझे आप देख रहे हैं, थैंक यू गाइस।